हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पॉटिंग एरर के कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस, और इसमें मैंने तीन अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो क्लास में, तो इसलिए इस पूरे वीडियो क्लास को आप एंड तक देखिए। बैंक पीओ के और बैंक क्लर्क के जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे डिस्कस किए हैं इसमें, तो इन क्वेश्चन को हम देखेंगे। और अदर 247 की कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे आप डिस्काउंटेड प्राइस पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका रिक्वेस्ट मुझे इस नंबर पर भेजिए और इस नंबर पर मैं लिंक भेजूंगा, वहां से इन टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, बैंक पीओ मेंस के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस में आपको एरर बताना है। सबसे पहले ऊपर देखते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं यहाँ पर। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विच इज देन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, आउट ऑफ विच द लास्ट पार्ट इज करेक्ट। There is an error in 3 part of the sentence and only 1 part is correct. You have to choose the correct part as your answer. मतलब यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है, ये जो सेंटेंस दिया है ये काफ़ी लंबा और ट्रिकी सेंटेंस है, और लास्ट का जो पार्ट है, जो बोल पार्ट है, वो ऑलरेडी करेक्ट है। ठीक है, अब 5 पार्ट में से एक पार्ट तो ऑलरेडी करेक्ट है, अब कितने पार्ट बचे? 4 पार्ट यहाँ पर बचे, तो 4 पार्ट में से 3 पार्ट इनकरेक्ट हैं और एक पार्ट करेक्ट है, उस करेक्ट पार्ट को आपको देखना है। तो इसकी समरी क्या हुई? इसकी समरी ये हुई कि एक पार्ट ऑलरेडी करेक्ट है, आपको एक और जो पार्ट करेक्ट है वो देखना है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है कि डायरेक्टली यदि आपको कोई भी सेक्शन करेक्ट लगता है तो वो भी आपका आंसर हो सकता है। जैसे इस पूरे सेंटेंस को आप पढ़ो, यहाँ से हम पढ़ते हैं द क्यूरियस थिंग अबाउट, अबाउट के बाद ING फॉर्म आती है, बैनिंग होगा ये। ठीक है, यानी इसमें गलती है। अब इस वाले पार्ट को देखते हैं, फॉलोड, चलिए इसको पूरा ही पढ़ते हैं। द क्यूरियस थिंग अबाउट बैनिंग रिवेल आउटफिट, रिवेल आउटफिट मतलब जो आतंकियों के जो ठिकाने होते हैं उसकी बात हो रही है उसमें। द क्यूरियस थिंग अबाउट बैनिंग रिवेल आउटफिट्स इज दैट द एक्शन हैज फॉलोड और हैज बीन फॉलोड, हैज बीन होना चाहिए इसमें। तो ये पार्ट गलत हो गया आपका, ये पार्ट गलत हो गया। ठीक है, हैज बीन फॉलोड by the emergence of clones often carrying the same name, styling themselves dissident or pro-tox factions as structures even most genuinely representative than। यहाँ पर then आया है तो यहाँ पर हम most क्यों लगाएंगे, यहाँ पर हम more लगाएंगे। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, representative than the original of which they were till recently apart, यानी ये वाला जो पार्ट है ये सही है इसमें। ठीक है, डायरेक्टली यदि आपको लगता है तो आप डायरेक्टली भी सेंटेंस का करेक्ट पार्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? 4, रिप्रेजेंटेटिव देन द ओरिजिनल ऑफ विच दे वर टिल रिसेंटली अ पार्ट, ये पार्ट इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो आंसर होगा आपका 4। तो इसमें ट्रिक यही है कि डायरेक्टली भी आप देख सकते हैं, 4 पार्ट जो दिए हैं, 4 पार्ट में जो पार्ट आपको करेक्ट लग रहा है तो आप डायरेक्टली उसका भी आंसर आप लगा सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है और इसमें देखते कहाँ पर गलती है। विद बोरोइंग कॉस्ट सेट ऑफ राइज एंड ग्लोबल ट्रेड टेंशन, यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो ग्लोबल ट्रेड टेंशन, टेंशन किससे क्रिएट हो रहा है? विद बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है उसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर विद बोरोइंग कॉस्ट हम यहाँ पर बोल सकते हैं सेट ऑफ, ये गलत है एक्चुअली। यहाँ पर विद बोरिंग कॉस्ट सेट ऑफ राइज एंड ग्लोबल ट्रेड टेंशन एडिंग टू अनसर्टेनिटी इन इंडियाज एक्सपोर्ट, अनसर्टेनिटी होती है किसी चीज़ के लिए, अनसर्टेनिटी किसी चीज़ में नहीं होती, तो यहाँ पर फॉर इसमें होना चाहिए, अनसर्टेनिटी फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट्स। इसमें हु भी गलत है एक्चुअली, इसमें हु भी गलत है। विच आर येट टू कैपिटलाइज ऑन द रुपी वीकनेस पॉलिसी, अब देखिए आपको सपोज पूरा सेंटेंस ये समझ में नहीं आ रहा, आप इस वाले पार्ट को देखिए, ऑन द रुपी वीकनेस पॉलिसी मेकर्स विल नीड, इस वाले पार्ट में डायरेक्टली यदि आप देखें, आप इस पार्ट को भूल जाइए, इस पार्ट को भूल जाइए, सारे पार्ट भूल जाइए और इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट में कहीं पर कोई गलती लग रही है आपको? विल के बाद नीड आएगा, पॉलिसी मेकर्स विल नीड, ऑन द रुपी वीकनेस सही है, ये वाला पार्ट आपका सही है इसमें, ऑन द रुपी वीकनेस पॉलिसी मेकर्स विल नीड। डायरेक्टली आप थर्ड ऐसे भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं या आप पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरा आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें जैसे हु गलती है, इसमें ऑफ गलती है, यहाँ पर पॉपुलिज्म एंड स्टिक, स्टिक के बाद टू आता है, यहाँ पर स्टिक टू होना चाहिए इसमें।
ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द हेल्थ ऑफ ए बैंकिंग सिस्टम। इसमें देखिए दो पार्ट में भी एरर हो सकती है, ये ऑप्शन जो दिए हैं द हेल्थ ऑफ ए बैंकिंग सिस्टम। इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, एक सेंटेंस दिया है तीन पार्ट में ये डिवाइड है, और तीन पार्ट में से एक करेक्शन इसमें सजेस्ट किया गया है कि ये पार्ट यदि गलत है तो इसका करेक्शन ये होगा, तो वो करेक्शन को मिला के फिर आपका एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेगा। द हेल्थ ऑफ ए बैंकिंग सिस्टम, द हेल्थ ऑफ ए बैंकिंग सिस्टम, यहाँ पर ए लगा हुआ है, इसका मतलब बैंकिंग सिस्टम सिंगुलर है, तो ये कैसा होगा, डिपेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे, डिपेंड्स, तो ये गलत हो गया। क्रूशली ऑन द इंसेंटिव्स बैंकर्स हैड इन, हैड क्यों बोलेंगे, ये तो हम बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ की बात कर रहे हैं, और बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ की बात कर रहे हैं मतलब आप एक यूनिवर्सल ट्रुथ या एक फैक्चुअल थिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। द हेल्थ ऑफ ए बैंकिंग सिस्टम डिपेंड्स क्रूशली ऑन द इंसेंटिव बैंकर्स हैव इन, हैड गलत है यहाँ पर, हैव इन, इनके बाद आईएनजी फॉर्म आता है तो ये सही है, बीइंग माइंडफुल ऑफ रिस्क एंड ट्रांसपेरेंट अबाउट द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स होना चाहिए ये, तो यहाँ पर ऑफ होना चाहिए और यहाँ पर डिपेंड्स होना चाहिए। और यहाँ पर इसमें हैव होना चाहिए, तो तीनों ही गलत हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड का इसमें ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन इसमें तीनों ही पार्ट गलत हैं। ठीक है, द हेल्थ ऑफ ए बैंकिंग से डिपेंड्स होगा, हैव होगा यहाँ पर, और यहाँ पर होगा आपका ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स, नहीं 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 ट्रू स्टेट एट अफेयर दिया है ना यहाँ पर, हाँ तो ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर दिया है यहाँ पर, हैव, हाँ तीनों ही पार्ट में इसमें करेक्शन होगा, तो इसमें आंसर होगा आपका ऑल आर करेक्ट, ऑल थ्री। ठीक है, बाय मिस्टेक ये दे नहीं पाया हूं, लेकिन इसका आंसर होगा ऑल थ्री। चलिए यहां पर हम देखते हैं, देखिए एक ये नए तरह के क्वेश्चन है, इसमें कुछ पार्ट बोल्ड है और जो पार्ट बोल्ड है वो करेक्ट है, बाकी किस पार्ट में एरर है वो देखना है आपको। तो इस तरीके से एरर के भी अलग अलग क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दिया जाता है। There are many areas where work needs to be done for the growth and development of the Muslim community, such as the provision of basic infrastructure, facility in education, health, road and drinking water, employment generation, safety promotion of the Urdu language, modernization of madrasa education, and the separation in politics nahi hoga, separation of politics from community development. Theek hai, separation ऑफ पॉलिटिक्स, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये वाला पार्ट गलत है इसमें, सेपरेशन इन पॉलिटिक्स, हाँ तो इसका आंसर होगा फोर्थ। तो ये अलग अलग तरीके के एरर पूछी जाती हैं आपसे, और यदि आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और श्योर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को आप IBPS क्लर्क के लिए, बैंक PO मेंस के लिए, कैनरा बैंक PGDF के लिए, जम्मू कश्मीर बैंक के लिए, इन सभी बैंक्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेश बैच इसके कल से स्टार्ट हो रहे हैं 1 नवंबर से, 3 महीने इसकी वैलिडिटी रहेगी, पूरा इंग्लिश, पूरा प्री का इंग्लिश, पूरा मेंस का इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव GDPI सब इसमें पढ़ाया जाएगा आपको, और करंट अफेयर्स भी इसमें कवर होगा। 90 डेज़ का एक प्रोग्राम है और इसकी जो फीस है वो 999 रुपये है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगा, वहाँ से क्लिक करके इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इन पेड वीडियो क्लासेस को आप सेपरेटली अपने Google ID पर आप देख पाएंगे। जीमेल पर मैं इसका लिंक भेजूंगा और वहीं पर ये सारे वीडियो क्लासेस आप देख पाएंगे गूगल ड्राइव के थ्रू। चलिए यहां पर एक अलग तरीके का क्वेश्चन है और इसमें किस पार्ट में गलती है ये देखते हैं हम। इवन इन द फ्रॉड एंड वॉलेटाइल फ्रेमवर्क, देखिए एक ही पार्ट सही होगा, यदि दो पार्ट आपको सही लगते हैं तो इसका मतलब पूरा सेंटेंस सही है। इवन इन द फ्रॉड एंड वॉलेटाइल फ्रेमवर्क ऑफ, इस पार्ट में कोई गलती नहीं है। Even in the fraught and volatile framework of, framework किसका है, India-Pakistan ties, the permanent Indus Commission, ये पार्ट सही है, ये पार्ट सही है, दो पार्ट इसके करेक्ट हैं। ठीक है, आपको एक ही पार्ट करेक्ट देखना है लेकिन दो पार्ट इसमें आपको करेक्ट लग रहे हैं, इसका मतलब इसमें ऑल आर करेक्ट इसका आंसर होगा, पूरा सेंटेंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवन इन द फ्रॉड एंड वॉलेटाइल फ्रेमवर्क ऑफ ये बिल्कुल सही है, इंडिया पाकिस्तान टाइज द परमानेंट इंडस कमीशन ये सही है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। यहां पर देखिए, यहां पर देखते हैं इसका आंसर, इट इज आयरोनिकल दैट इन स्पाइट फॉर नहीं होता, इन स्पाइट ऑफ होता है, तो इसमें किस किस पार्ट में एरर है आपको देखना है।
हाँ मतलब करेक्ट पार्ट आपको देखना है, ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी करेक्ट है। यूजिंग टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूसर्स इन द कन्वेंशनल नॉन ऑर्गेनिक सेक्टर डू नॉट हैव होगा एक्चुअली यहाँ पर, और यहाँ पर होना चाहिए गारंटीड स्पेन टू गारंटी कंप्लाइंस, टू के बाद ये फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये सही है, टू गारंटी कंप्लाइंस विथ फूड सेफ्टी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ये फूड्स नहीं होगा, ये पार्ट गलत है इसमें। तो इसमें सही पार्ट कौन सा है? सही पार्ट है सेकंड, प्रोड्यूसर्स इन द कन्वेंशनल नॉन ऑर्गेनिक, तो सेकंड पार्ट इसमें आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर आल्सो केपेबल ऑफ कैटेस्ट्रोफिक एक्सीडेंट। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट में कोई गलती इसमें नहीं लग रही है, तो डायरेक्टली इसका फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई गलती आपको नहीं लग रही है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स रिएक्टर्स है, तो फिर आर हम बोलेंगे, आर ऑल्सो केपेबल ऑफ, दे केपेबल रहते हैं कैटेस्ट्रोफिक एक्सीडेंट के, तो ये पार्ट बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, डायरेक्टली आप वन आंसर लगा सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर ऑल्सो केपेबल ऑफ कैटेस्ट्रोफिक एक्सीडेंट एज विटनेस इन फुकुशिमा, जैसा कि विटनेस किया गया, जैसा कि देखा गया, तो ये विटनेस नहीं बोलेंगे, इसकी जगह हम बोलेंगे एज विटनेस्ड, ईडी लगेगा इसमें, एज विटनेस्ड इन फुकुशिमा एंड चेर्नोबिल अ सिंगल न्यूक्लियर डिजास्टर कैन कंटेमिनेट, कुछ नहीं होगा, कैन कंटेमिनेट लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड विथ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स रेंडरिंग रेंडरिंग डैम एरियाज, नहीं होगा रेंडरिंग दीज एरियाज, तो फर्स्ट पार्ट इसमें सही है, ठीक है। ये देखते हैं, सिटीजन्स हैव द राइट टू स्क्रूटिनाइज द वर्क ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव, सिटीजन्स के नागरिकों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको वर्क को स्क्रूटिनाइज करने का सिटीजन्स का राइट है, सिटीजन्स हैव द राइट टू स्क्रूटिनाइज द वर्क ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, सिटीजन हैव द राइट टू स्क्रूटिनाइज, फर्स्ट फॉर्म आई है यहां पर, पब्लिसाइज एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन सच एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सिविल लिबर्टीज एप्रोप्रिएशन ऑफ ट्राइबल लैंड ऑफ पर्पज ऑफ एक्यूमुलेशन फेलियर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर द सिटी, ये सही है सेंटेंस, इस पूरे सेंटेंस में कहीं गलती नहीं है, इसका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कमीशन ऑन सोशल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिकमेंड थ्री प्रिंसिपल्स फॉर एक्शन, इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ डेली लाइफ, टैकलिंग द इनिक्विटस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मनी एंड रिसोर्सेज। देखिए यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, आई एन जी फॉर्म लगाई है हमने, यहां पर हमने आई एन जी फॉर्म लगाई है, पूरे सेंटेंस में आई एन जी फॉर्म का एक कंसिस्टेंट पैटर्न बन रहा है, तो इसलिए यहां पर इम्प्रूव नहीं बोलेंगे हम, इम्प्रूव्ड नहीं बोलेंगे, इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ डेली लाइफ या इम्प्रूविंग बोलेंगे यहां पर, इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ डेली लाइफ, टैकलिंग द इनिक्विटस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से बोलेंगे इसको, एंड रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस, तो यहां पर ये इंप्रूव्ड वर्ड गलत है इसमें, सेकेंड इसका आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द मेजर बैरियर टू मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर एंड टू स्केलिंग अप इफेक्टिव इंटरवेंशंस इज कास्ट इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन सोशियो कल्चरल इशू, द सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट बेस्ड ऑन होता है एक्चुअली, बेस्ड ऑन टू नहीं होता, ठीक है, आंसर होगा थर्ड, कास्ट बेस्ड ऑन टू नहीं होगा, ऑन होगा। और आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए एक ये क्वेश्चन है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम इन द पुलिस एंड डिफेंस फोर्सेज विल प्रूव टू बी अ मोरल बूस्टर फॉर देम इन टर्म्स ऑफ देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज, बट दिस हैजंट बीन लुक्ड इन टू, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ही इसका आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, रोड सेफ्टी बोरोड ए कॉन्सेप्ट फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स विच आर डिजाइंड on the assumption that if human errors are inevitable, then risk can minimize only by incorporating that into safety design. क्या मतलब है sentence का? इस sentence का मतलब ये है कि road safety borrowed a concept from nuclear plants which are designed on the conception assumption
रोड सेफ्टी ने एक कॉन्सेप्ट को बोरो किया है न्यूक्लियर प्लांट से, विच आर डिजाइन, जो डिजाइन है इस एजम्पशन पर, इस कल्पना पर कि इफ ह्यूमन एरर्स आर इनएविटेबल, यदि ह्यूमन एरर्स का होना जरूरी है तो रिस्क को, एटलीस्ट रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड, रिस्क कैन मिनिमाइज, रिस्क अपने आप मिनिमाइज नहीं होगी, उसको किया जाएगा, रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड, हाँ रिस्क कैन बी मिनिमाइज। तो थर्ड इसमें, थर्ड इसका आंसर है, बाकी रोड सेफ्टी बोरोड ए कॉन्सेप्ट फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट। विच आर डिजाइन, इसमें एक्चुअली ये भी गलती होनी चाहिए उसमें, रेट्स रोड सेफ्टी बोरोड को बोलेंगे हम इसमें, रोड सेफ्टी बोरोज ए कॉन्सेप्ट फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट विच आर डिजाइन, ये भी इसमें बोरोड नहीं होना चाहिए, रेट ये इसमें ये गलती है इसमें एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर इसमें करेक्शन में कुछ नहीं दिया, बोरोड ही दिया है इसमें करेक्शन में भी, इसका मतलब बोरोड का बोरोड ही दिया, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, इन नहीं होगा, ऑन द एजम्पशन सही है, हाँ यही सही है, यही केवल इसमें गलती है, तो इसका आंसर होगा 4, बाकी सब सही है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है, ये बैंक पीओ और बैंक क्लर्क एग्ज़ाम के लिए मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, और इस तरह के वीडियो क्लासेस इस चैनल पर मैं और भी अपलोड करूँगा, तो इस चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरा यदि टारगेट बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इस 90-day प्रोग्राम को आप ज्वाइन करें। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।